नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर बिरमा पुल पर। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले यह बिरमा पुल पूरी तरह से बह गया था और पूरी तरह से रास्ते को बंद कर दिया गया था। छोटी बड़ी गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो दो दिन पहले एक व्यक्ति की डूबने से मौत भी हो गई थी कि क्रॉस कर रहा था। उसको देखते हुए आज ग्रिफ की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। आर्मी के जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये सामने सामान पड़ा हुआ है, ये पुल नया तैयार किया जाएगा। ये पुल मैं बता दूं कि वो सामने जेसीबी मशीन लगी हुई है, वो सामने जेसीबी मशीन लगी हुई है, वहाँ पे ये पुल बनाया जाएगा सामने क्रॉसिंग के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। और ये इस तरफ मैं फिर आपको घुमाऊँ, मैं आपको फिर बताऊँगा कि सामान यहाँ रखा गया है वो भी जगह पर बनाया जा सकता है और इस जगह पर भी पुल बनाया जा सकता है। ये जो टूटा हुआ पुल है इसके ऊपर लोहे की, ये जो सामान लोहे का लगाया गया है ये रखा जाएगा और गाड़ी की क्रॉसिंग के लिए इसे आने जाने के लिए छोड़ जाए। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर, मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी की काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, आर्मी की गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, जवान भी हैं, अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस पुल को कुछ घंटे के अंदर ही तैयार किया जाएगा। लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और आर्मी की बात करूं तो आर्मी की काफ़ी कानबाई यहां से निकलती है, गुजरती है, आने जाने का रास्ता बना हुआ है ये। लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता काट कर जाना पड़ता था। लेकिन आज मैं फिर आपको दिखा दूं कि ये सामने ये जो सामान पड़ा हुआ है ये पुल का सामान है, पुल नया यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ से ये टूटा हुआ है इसके ऊपर भी ये लोहे के ये सामान रखा जाएगा कि गाड़ी आने जाने के लिए, और वहाँ भी जिसे भी वहाँ पे लगाई गई है उस रास्ते को भी मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसे क्लोज करें और ये दिखाएं कि ये जो जेसीबी वहाँ पे लगी हुई है उस रास्ते को भी साफ किया जा रहा है। शायद लोगों के लिए वहाँ पे रखा जाए, वहाँ पे बनाया जाए ये पुल, और यहाँ पर आर्मी वालों के लिए रखा जाए कि आर्मी वालों की जो कानवाई निकलती है उस कानवाई के लिए ये रास्ता बनाया जाएगा आने जाने के लिए। आर्मी के काफ़ी जवान, मैं आपको फिर बता दूँ कि काफ़ी जवान यहाँ पर आए हुए हैं और इस पुल को बनाने की तैयारी की जा रही है। सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1.5 साल पहले भी इस पुल को बनाया गया था लेकिन 1.5 साल के बाद वो फिर टूट गया वहीं से, और फिर बनाया गया और फिर 2 दिन के बाद वो फिर पुल टूट जाता है। और अब तो ये जो पुल टूटा हुआ और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़ा वहाँ पर वो गत्ता सा बन गया होगा, खाई बन गई है और उससे अब काम किया जाएगा, उससे भरा जा रहा है। और बीते 2 दिन पहले वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि क्रॉसिंग कर रहा था उसकी मौत भी हो गई थी, और उसी को देखते हुए ग्रिफ की ओर से और आर्मी की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि पुल को तैयार किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि सामने आर्मी के जवान है ये, और ये पुल का सामान रखा गया है यहाँ पर, और इस पुल को जल्दी ही बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ भी बनाया जा सकता है, और मैंने पहले बताया आपको कि जेसीबी मशीन वहाँ पर लगाई गई है, उसकी कटिंग की जा रही है रास्ते की, और लोग भी वहाँ पर जमा हुए हैं। और अगर पानी की बात करूँ तो पानी भी काफ़ी तेज, पानी का बहाव अगर आप देखें तो पानी काफ़ी तेज वहाँ से आ रहा है, ये देखिए काफ़ी तेज पानी है। इस पानी से निकलना अपनी जान पर खेलने के बराबर है। अगर इस पानी में कोई इंसान जाता है तो शायद वो वापस नहीं आएगा, काफ़ी तेज़ पानी है और काफ़ी तेज़ पानी की रफ्तार है। इसी को देखते हुए पुल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग पहले भी कहते थे कि काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है, जो लोग साथ ही रहते हैं यहाँ पर उन्हें आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, 5-6 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद फिर वो अपने घर पहुँचते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ के 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। उसको देखते हुए सरकार की ओर से प्रशासन, उधमपुर प्रशासन की बात करूँ, उधमपुर DC की अगर बात करूँ तो काफ़ी दिलचस्पी ली जा रही है इसमें कि इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि लोगों को जो परेशानी आ रही है, चालकों को जो परेशानी आ रही है, जो मेटाडोरों वालों को परेशानी आ रही है, उन्हें वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं फिर बताऊंगा कि आर्मी के जवान यहाँ पर जमा हुए हैं और आर्मी के जवान ये सामान लेकर आए और पुल की तैयारी की जा रही है, और ये पुल मुझे लगता है कि जल्दी ही ये पुल तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को जो परेशानी आ रही है वो लोगों को परेशानी ना आए। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।